चेतावनी, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में बहुत से लोगों के प्रखच्चे उड़ने वाले हैं। अगर जिसको पसंद ना आए वो पहले नहीं आधे में ही छोड़ के जा सकता है। मिस्टेक यानी गलतियां, हमारे स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि हर गलती की आपको सजा मिलेगी। होमवर्क कंप्लीट नहीं, डंडा खा। क्लास में लेट आया, डंडा खा। तूने अभी तक फीस नहीं भरी, डंडा खा। यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है, डंडा खा। कुछ समझ में नहीं आया, डंडा खा। समझ में क्यों नहीं आया, एक और डंडा खा। गुरुजी प्रणाम। इंडिया के जितने भी स्कूल हैं और उनके जितने भी टीचर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञान बांट रहे हो या बच्चे के मुंह पर ज्ञान फेंक रहे हो, वो बच्चे हैं कोई रोबोट्स नहीं, वो प्यार से चलते हैं, पावर से नहीं। आज मैं एक बार फिर से आया हूँ ये एजुकेशन बांटने वाले ठेकेदारों की धुलाई करने। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का छुट्टियां ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर समझ में ना आए तो बैक करके दोबारा देख लेना। पॉइंट नंबर वन, मार्क्स। आजकल के माँ बाप और टीचरों ने बच्चे के दिमाग में यह बिठा दिया है कि आपके अगर नंबर नहीं आएंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, छुट्टी है भैया आपकी, फेल हो जाओगे। मेरे देश के आंटी और अंकलों को मेरा एक ही जवाब है, सुपारी खाते हो क्या? एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जिंदगी में भी फेल हो जाएगा। जब तक जिंदगी में कठिनाइयां ना हो तब तक जिंदगी जीने का मजा भी नहीं आता। बच्चों की नींव उनके माँ बाप होती हैं, और जब नींव ही इतनी खोखली हो तो मजबूत इमारत की कल्पना आप कैसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर टू, एक बच्चा अपनी जिंदगी का 25-30% साल एजुकेशन में बिता देता है फालतू की। वो पढ़ क्या रहा है उसे खुद नहीं पता होता, और क्यों पढ़ रहा है, शायद माँ बाप के प्रेशर के कारण। क्या आपने अपने बच्चे को कभी इतना टाइम दिया है कि वो सोच सके कि आने वाली 70% जिंदगी में वो कैसे जिएगा? क्या उस वक्त भी वो नंबरों से ही गुजारा कर लेगा? आप अपने बच्चे को नंबरों के लेवल से देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का हिडन टैलेंट भी अंदर ही अंदर मर जाता है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों हो? ताकि वो बड़ा होकर पैसा कमा सके। हाँ, पैसा जरूरी है, पर सब कुछ पैसा नहीं होता। क्या आपको पता है मैं कॉलेज के सिर्फ 2 साल गया था, मेरे पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है। पहले साल 2 सब्जेक्टों के एग्जाम ही नहीं देने गया था, और दूसरे साल आधे में ही पढ़ाई छोड़ दी, और यहाँ तक कि मुझे अभी तक मैथ वाला डिवाइड भाग भी नहीं करना आता ढंग से। पर फिर भी आज मैं महीने के लाखों कमा रहा हूँ सिर्फ क्रिएटिविटी के कारण, और उसी क्रिएटिविटी को आप अपने बच्चे के अंदर से बाहर नहीं आने देते हो, और इसी वजह से बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आजकल बच्चों ने साइंस ले रखी है, अगर उनसे पूछो कि भाई तूने साइंस क्यों ली है, यार उनके पास कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है साइंस चुनने की, पर फिर भी ले रखी है। जिस तरफ नदी बह रही है बस उसी तरफ वो डुबकी लगा रहे हैं, भाई कोई वजह तो बताओ। तो अब आते हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट एजुकेशन। सरकारी स्कूल वाले सिर्फ थ्योरी पे जाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ाते हैं, इसी वजह से प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं। इसका मतलब तो यही होगा कि गरीब बच्चा कभी भी प्रैक्टिकली डेवलप नहीं हो पाएगा। अब इसी को जॉब से जोड़ के देखते हैं, गूगल हो या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी, वो बंदे की प्रैक्टिकल स्किल्स को देख के ही जॉब पर रखते हैं। इसका मतलब गरीब कभी जॉब कर ही नहीं सकता। आज की डेट में लाखों में एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, अगर उस एग्जाम फॉर्म की फीस का टोटल किया जाए तो पूरी जॉब वैकेंसी वालों को लाइफ टाइम सैलरी दी जा सकती है। आप सोचते होंगे कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार देती है, पर जो आप एग्जाम के फॉर्म की जो फीस भरते हैं आखिर वो कहां जाती है? कुछ समझ में आया, छोटे से सरकारी धंधा बोलते हैं, घुमा फिरा कर आपकी जेब ही फाड़ी जाती है। अब एक और बात, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बना दी गई है कि अगर कोचिंग करोगे तो ही अच्छी एजुकेशन पाओगे, तभी एजुकेशन मिल सकती है अच्छी, नहीं तो नहीं मिल सकती। और इसी कारण से आज सबसे ज्यादा सुसाइड कोटा में होते हैं। अगर अच्छी एजुकेशन का दूसरा नाम आत्महत्या है तो मैं लात मारता हूँ ऐसी एजुकेशन को। तो अब बात आती है करे तो करे क्या, जिद करो और अपने सरकारी स्कूलों को डेवलप करवाओ। अब थ्योरी वाली एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल वाली एजुकेशन मांगो। पर कैसे मांगे? स्ट्राइक सरकार के खिलाफ। इंडिया में आज इंटरनेट बहुत ही ऊपर वाले लेवल पर है, तो मीम्स बनाओ जितनी हो सके सरकार के खिलाफ, और मीम बना के शेयर करो ताकि सरकार तक वो चीज पहुंचे। मन में मत दबाओ, जो है बोल दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी के दिमाग में तो ये पल्ले पड़ेगा।
आज कोई भी सरकारी स्कूलों में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा सब्जेक्ट नहीं है। और इन सब्जेक्टों पर जाकर देखोगे तो देखोगे कि इनका काम ही थ्योरी पर चलता है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज कौन देगा? किताबों में कार की फोटो को देखकर कभी कार नहीं सीखी जाती, उसमें बैठना पड़ता है तभी सीखी जाती है। आज हमें जरूरत क्या है, एजुकेशन की या फिर अच्छी एजुकेशन की? नेता लोग आते हैं और बोलते हैं, हम आपको खाना देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हट नेताजी, हम गरीब हैं, लाचार नहीं। नेताजी तुम सिर्फ अच्छी एजुकेशन दो, हम खा भी लेंगे, कमा भी लेंगे और बना भी लेंगे और आपका टैक्स भी पे कर देंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। नेता लोग आते हैं, यही लालच दे देते हैं, घर का, खाने का, फलाना ढिमकाना, और हम कुत्तों की तरह पीछे भागते हैं उनके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खाली दिमाग हमेशा क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, पर आजकल के माँ बाप उसी खाली दिमाग को इंजीनियर और डॉक्टर बनने के प्रेशर से भर देते हैं, जिसके कारण बच्चों का हिडन टैलेंट जिंदगी भर हिडन ही रह जाता है। आज एजुकेशन में प्रैक्टिकल नहीं है, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों के पास सिर्फ डिग्री है, जॉब नहीं। अब मसला आता है कि करें क्या। सबसे पहले एजुकेशन लो और अपनी पढ़ाई अपनी एवरेज के हिसाब से करो, ना कि प्रेशर से। जब आप अपने दिमाग को प्रेशर लेस रखोगे तभी तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपका हिडन टैलेंट बाहर आएगा। जैसे कि मेरी बात कर लेता हूँ, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बोलता था, बकता रहता था, और आज 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मेरा ये बकना पसंद है। टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने IQ लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, पढ़ाई भी करो और खुद को भी टाइम दो। और जितने भी ये माँ बाप हैं, इनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा बच्चा है, कोई रोबोट नहीं। अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि वो दूसरा है और ये आपका अपना। एजुकेशन प्रेशर के चक्कर में अपने को मत खो देना। थैंक यू। ये था इंडियन एजुकेशन का PART-2। अगर फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, आपका एक शेयर किसी भी माँ बाप का माइंडसेट चेंज कर सकता है। और आज का लाइक एम है 70,000 लाइक्स। औकात से ज्यादा मांग लिए, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे। तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले टल्ली भी दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो नीचे टुकर टुकर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, फॉलो करो। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।